आपने बहुत सारे सर्विस पोर्टल को यूज किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल फ्री में एक ऐसी पोर्टल के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है नागरिक सुविधा केंद्र। ठीक है, मतलब इसका पूरा नाम अगर आप जाने तो नागरिक सुविधा पोर्टल है। और ऐसी पोर्टल का अगर आप यूज करते हैं तो जहां पे आपको आधार कार्ड का काम मिलने वाला है, पैन कार्ड का काम मिलने वाला है, पासपोर्ट का काम मिलने वाला है, आयुष्मान भारत का काम मिलने वाला है, ड्राइविंग लाइसेंस का काम मिलने वाला है, रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं, और भी इंडिया में जितने भी सर्विस है वो सभी सर्विस यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा सर्विस मिलती है। और इस पोर्टल का जो आप यूज करेंगे एकदम सीएससी जैसा ही इस पोर्टल का यूज होता है। और यहाँ पे पहले से इंक्लूडेड सर्विस जो रहती है, वैसे आधार कार्ड आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, आधार कार्ड बना भी सकते हैं, आधार कार्ड अपडेट भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे हम देने वाले हैं कि कैसे ये सभी काम आप करेंगे और इस आईडी को लेंगे कैसे। सबसे पहले दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ये जो सर्विस पोर्टल का नाम आपको पहले ही बता दें, नागरिक सुविधा केंद्र और कॉमन सर्विस जैसे सेंटर जैसा ये काम करेगा, जहां पे आधार कार्ड का काम, पैन कार्ड का काम, पासपोर्ट का काम, ड्राइविंग लाइसेंस का काम, यहां पे आप बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, यहां पे और भी बहुत सारे काम जो है वो आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपको काम मिलता है डीटीएच रिचार्ज का, लाइफ इंश्योरेंस का, पेमेंट का, लाइट बिल का, और उसके बाद वाहन रिचार्ज, वाहन बीमा का, उसके बाद फसल बीमा का, इनकम टैक्स रिटर्न का, और डिजिटल सिग्नेचर भी आप यहां पे बना सकते हैं, रेलवे रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, और यहां पे बैंकिंग सुविधा भी मिलने वाली है, मतलब बैंकिंग की आईडी भी आप यहां पे ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके लिए आपको कहां से आईडी लेनी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आपको यहां पे गूगल पे आ जाना है। ये काम आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप से कर सकते हैं। यहां पे आपको इतना ही सर्च करना है, सर्विस पोर्टल डिजिटल। ठीक है, ये वाला जो आप देख सकते हैं सर्विस पोर्टल डिजिटल, या यहां पे आप सर्च कर सकते हैं नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल। ठीक है, यहां पे दोस्तों ये भी आप सर्च कर सकते हैं, यहां पे दोस्तों देख सकते हैं, यहां पे ये सर्च करेंगे, यहां पे आपको पहला में आएगा serviceindia.government.in। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आएगा csegovernment.in। आप यहां पे देख सकते हैं सीएससी भी आ रहा है, तो यहां पे फर्स्ट में ये आ रहा है और सेकंड में ये आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे सबसे ज्यादा जो सर्विस होने वाली है वो आपको यहां पे नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल में ही होने वाली है, जिसका आप यहां पे सर्च करेंगे तो यहां पे आपको service.india.government.in, ठीक है, यहीं पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही यहां पे आप क्लिक करेंगे थोड़ा देर आपको यहां पे वेट करना है, वेट करने के बाद डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे। यहां पे आने के बाद अब आपको सबसे पहले सर्विस दिखा देते हैं कि सर्विस यहां पे कितनी होने वाली है। तो दोस्तों आप यहां पे सर्विस देख सकते हैं, यहां पे दे रहा है 12,544 सर्विस। ठीक है, तो यहां पे 12,000 से ज्यादा सर्विस, यहां पे 12,500 से ज्यादा सर्विस है। ठीक है, और यहां पे इंक्लूडेड सर्विस जो मिलती है, जैसे कि यहां पे पीएम किसान सम्मान निधि, मतलब पीएम किसान योजना में आप बीमा भी कर सकते हैं, और यहां पे किसान रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, किसान केवाईसी भी कर सकते हैं, सिर्फ एक ही पोर्टल से। सबसे पहले यहां पे हम शुरुआत करते हैं यहां से। ठीक है, यहां पे दोस्तों क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि यहां पे आ गया। उसके बाद यहां पे फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल जाता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आप यहां से फार्मर रजिस्ट्रेशन, मतलब किसान रजिस्ट्रेशन आप यहां पे कर सकते हैं। यहां पे किसान रजिस्ट्रेशन आपको सभी आईडी में तो नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन यहां पे पहले से इंक्लूडेड मिलती है। उसके बाद यहां पे ई केवाईसी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे कि आप मार्केट में जाएंगे तो ₹50 आपसे चार्ज लिया जाता है, लेकिन यहां पे आधार कार्ड और आप अपना मोबाइल पे ओटीपी मंगवा के डायरेक्ट आप यहां पे केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केवाईसी आपका हो जाता है। उसके बाद यहां पे नो योर स्टेटस, ठीक है, आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे ई केवाईसी का काम कर सकते हैं, उसके बाद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस का, उसके बाद यहां पे अपडेट भी कर सकते हैं किसान रजिस्ट्रेशन में, और उसके बाद यहां पे बेनिफिशियरी लिस्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका पैसा आया या नहीं आया। साल में ₹6,000 लगभग आता है, तो ये पैसा आपका आया नहीं आप यहां पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी गड़बड़ी अगर होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन रिफंड और यहां पे क्वेश्चन वाले में कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प डेस्क भी नंबर दिया गया है। उसके बाद और भी बहुत सारे सर्विस मिलती है, ठीक है, जैसे कि यहां पे दोस्तों देख सकते हैं 122 सर्विस जो है वो आपको एमओ फाइनेंस की है, मतलब माइक्रो फाइनेंस आप यहां पे बोल सकते हैं, चाहे फाइनेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी काम मिलता है, पैन कार्ड का यहीं से काम होता है।
उसके बाद 100 सर्विस यहाँ पे मिलती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। ऐसे ही जितने भी सर्विस आप यहाँ पे देखेंगे ये सभी सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये पूरी सर्विस अगर मिला के देखे तो यहाँ पे 12,544 सर्विस है और यहाँ पे सर्विस बहुत मिलेगी, जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। अगर कैटेगरी आप यहाँ पे देखेंगे तो एजुकेशन की कैटेगरी, एजुकेशन एंड लर्निंग की कैटेगरी, हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल एंड यहाँ पे लोकल सर्विस भी मिलेगी। यहाँ पे मनी एंड टैक्स का भी काम कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे जॉब से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, जस्टिस का काम कर सकते हैं, उसके बाद ट्रेवल एंड ट्रेजम जैसे कि रेलवे टिकट बुकिंग का हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे आपको बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉय का काम कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट एंड चाइल्ड केयर का काम कर सकते हैं, उसके बाद पेंशन एंड बेनिफिट का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों मान के चलिए कि आपको काम चाहिए ई डिस्ट्रिक्ट का काम, बहुत सारे हमारे भाई का क्वेश्चन होता है कि ई डिस्ट्रिक्ट का काम हमको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन में आपको चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च नहीं करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट का आप ई डिस्ट्रिक्ट का वर्क करना चाहते हैं यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा ई डिस्ट्रिक्ट का काम हम जहां पे भी लेना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट का काम हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे बिल्कुल फ्री में ई डिस्ट्रिक्ट का काम आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे चले जाना है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट का काम 83 मिल जाता है, जैसे यूपी से है तो यहाँ पे 83 आपको ई डिस्ट्रिक्ट का काम मिल जाता है। डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया था तो उत्तर प्रदेश ही, जैसे बिहार सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे और भी बहुत सारे सर्विस होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बिहार, झारखंड, यूपी, जो भी आप स्टेट्स हैं, 121 सर्विस बिहार की है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी सर्विस आपको मिलेगा बिहार का मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड की सर्विस, ये सब सर्विस हमें कैसे मिलेगी, तो डायरेक्ट हम होम पे आएंगे और यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे पैन कार्ड आपको लिख देना है, पैन CARD। ठीक है, तो पैन कार्ड का काम हमें यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे पैन कार्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं, सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद जितने भी सर्विस है 727 सर्विस हमें पैन कार्ड से रिलेटेड वर्क मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें पैन कार्ड का ही सिर्फ काम करना है, तो यहां पे पैन कार्ड मैंने सर्च किया था तो यहां पे दोस्तों आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे नीचे 5वें नंबर पे जैसे ही आएंगे तो यहां पे सर्च आ गया, यहां पे अप्लाई ऑनलाइन न्यू पैन कार्ड एंड क्रिएशन इन पैन कार्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे पैन कार्ड में नाम भी चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं, जितने भी चेंजिंग का काम होता है क्रिएशन वो सभी काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे नया पैन कार्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिंक आधार कार्ड विद पैन कार्ड, आप डायरेक्ट यहाँ से आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें नया पैन कार्ड तो बनाना है तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट हम आ जाएंगे, यहाँ से आप पैन कार्ड जो बनाएंगे वो सिर्फ आपके पास अगर आधार कार्ड रहेगा तो 5 मिनट में आप पैन कार्ड बना सकते हैं और ये पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी, जो भी आप ईमेल आईडी देंगे वो ईमेल आईडी पे भी आ जाता है। अगर आप चाहते हैं अपने घर बैठे अपना पैन कार्ड मंगवाना तो यहाँ से 5 मिनट में तो आप ऑनलाइन पैन कार्ड अपने ईमेल पे मंगवा सकते हैं और यहाँ पे ये मतलब आपको 5 से 10 दिनों के अंदर में आप के घर पे पैन कार्ड चला जाता है। तो ये सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फॉर्म भरना बहुत आसान है क्योंकि आप आधार कार्ड से बनाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन टाइप पे, और यहाँ पे न्यू पैन कार्ड बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, पैन कार्ड में चेंजिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे न्यू पैन कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन, और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाले में सिलेक्ट करना है, तो अगर हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे, आप बाद बाकी जो भी हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइटल आपको दे देना है, तो टाइटल में बहुत सारे भाई का कंफ्यूजन होता है कि जैसे श्री है, श्रीमती है या कुमारी है। ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे श्री डाल दीजिए, अगर आप शादीशुदा मतलब महिला है तो यहाँ पे आप श्रीमती डाल दीजिए, अगर आप लड़की है तो कुमारी डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म में जैसे भरते हैं वैसे आपको यहाँ पे नाम भर देना है, डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये एकदम से सही डालनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म भर के आसान तरीके से आप बना सकते हैं। वैसे ही आपको आधार कार्ड का है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ आपको आधार ही सर्च करना है, जैसे कि AADHAR। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना सर्च किया और सर्च वाले ऑप्शन पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आधार से रिलेटेड भी जितने वर्क होते हैं वो सभी वर्क आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 12 काम हमें आधार से रिलेटेड मिलता है जो और स्टेट का भी मिलता है और इंडिया में जहां से भी हो आधार कार्ड आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है अप्लाई फॉर आधार कार्ड। ठीक है, तो आप आधार कार्ड यहाँ से बना सकते हैं, माई आधार कार्ड से जाएंगे, जैसे माई आधार जो होता है वहां से आप
आधार कार्ड अपडेट कर सकते हो। तो ये सभी काम जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा देर आपसे लोडिंग लेगा, उसके बाद आप आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और वहां पे सभी काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आधार से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं और जितने भी काम होते हैं वो सभी काम तो आप यहाँ पे कर ही सकते हैं। तो ऐसे करके आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी सर्विस का यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।